नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटेंस। उसमें हमने लेवल वन में सीखा सीरीज पैरेलल को पहचानना, लेवल टू में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज उस केस को समझा, साथ ही साथ लेवल वन में हमने ये भी समझा कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, ओपन सर्किट कैसे होता है। लेवल थ्री में हमने बात की लाइन ऑफ सिमेट्री मैथड की। नाउ अब हम लेवल फोर पर जा रहे हैं जिसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं डील करूंगा। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ प्लेट्स दी हुई हैं जिनको अरेंज करके हम कैपेसिटर बना सकते हैं, किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा और उनके बीच स्टैंडर्ड डिस्टेंस हमने मान लिया है अजम्पशन फॉर इजी अप्रोच कि वो डिस्टेंस डी है, स्मॉल डी, और हर प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल ए है और दोनों प्लेट जितनी भी प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं, मींस ओवरलैपिंग एरिया भी कैपिटल ए है। सो लेट्स स्टार्ट लेवल फोर। हेडिंग लगा सकते हैं आप लोग, ये एक्सरसाइज कॉपी में ही करनी है आपको। मैं यहां पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ड्रॉ कर रहा हूं, आप साथ साथ में ड्रॉ कर लीजिए। लेवल फोर का पहला सवाल है, आपको दी हुई है चार प्लेट कैपेसिटर की प्लेट और उनको कुछ इस तरह से जोड़ा गया है। मान लीजिए कनेक्टिंग वायर को मैं दिखाता हूं रेड कलर से, तो यहां जो कनेक्टिंग वायर है वो रेड कलर से और इस तरह से जोड़ा गया है। अल्टरनेट प्लेट्स को आपस में जोड़कर ये आ गया टर्मिनल एक्स और दूसरी बचे हुए दो अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्टिंग वायर से जोड़कर ये आ गया टर्मिनल y। हमें x और y के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। आपको दिया हुआ है हर प्लेट का एरिया a है, ओवरलैपिंग एरिया भी a है और किन्हीं दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, छोटा d। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है कैपेसिटर्स की प्लेट से बने इस कॉम्बिनेशन की, यानी इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको पता करनी है। जस्ट ट्राई इट, वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके लिए आंसर निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में फिर से हमारे पास वही चार प्लेट्स हैं पर उनको जोड़ने का तरीका अलग है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको कर देता हूँ, डिस्टेंस वही डी मान के चलेंगे हम, पर मैंने डायग्राम में उससे कम कर दिया डिस्टेंस को। अब की बार जो जुड़ी हुई हैं ये वो इस तरह से जुड़ी हुई हैं। सपोज कॉर्नर की प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया गया है और ये है टर्मिनल एक्स और ये है टर्मिनल वाई, ये हो गया सेकंड। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी यहां पर कैलकुलेट करके लिखनी है इसकी। तीसरा कॉम्बिनेशन, फिर से चार प्लेट दी हुई है आपको, हर एक प्लेट का एरिया ए, ओवरलैपिंग एरिया बी ए, किन्हीं दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी। ऐसे कई कॉम्बिनेशन आप खुद भी बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स को चैलेंज दे सकते हो। तो अब की बार कनेक्शन कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि बीच की दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया गया आपस में, एंड हियर इज टर्मिनल एक्स एंड हियर इज टर्मिनल वाई and you have to find the equivalent capacity between x and y। और भी questions लेते हैं बच्चों। question number 4, फिर से चार plate हैं आपके पास में, so 4 plates are there और अब की बार फिर जोड़ने का तरीका अलग हो सकता है। suppose अच्छा इससे different way में भी आप जोड़ सकते हैं। मैंने एक तरीका ये लिया, दिस इज टर्मिनल एक्स एंड हियर इज टर्मिनल वाई। ऐसे कोई भी किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाए तो उसके लिए एक जनरल मेथड क्या रहेगा वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। अब तक मैं एक आध कॉन्फ़िगरेशन और, चार बहुत हैं, तो इससे मिलते जुलते इससे हमें तरीका समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीन को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं,
वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ पाता है और अच्छी बात है, हम सीखेंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा हमको। तो रिज्यूम द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन एंड द मेथड। तो कैसे सॉल्व करना है? पहला केस, जब अल्टरनेट प्लेट्स इस तरह से जुड़ी हुई हैं तो हम इसको असेस या इसका असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये कॉम्बिनेशन है किस तरह का। तो सपोज मैंने एक टर्मिनल यहाँ पर मार्क किया x और दूसरा टर्मिनल मार्क किया y। अब हम देखते हैं कितने कैपेसिटर यहाँ फ्रेम हो रहे हैं। अगर मैं x और y के बीच में बैटरी जोड़ दूँ तो कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर ये बन रहा है 1, दूसरा ये बन रहा है 2, तीसरा बन रहा है 3। गौर से देखने पर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटर 1 की एक प्लेट जुड़ी हुई है x पर। तो मैंने कैपेसिटर नंबर 1 की एक प्लेट को जोड़ा x पर, ये कैपेसिटर नंबर 1, और कैपेसिटर नंबर 1 की दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है y पर। तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर नंबर 1 की दूसरी प्लेट को जोड़ दिया y पर। तो कैपेसिटर नंबर 1 हमें दिख रहा है x और y के बीच जुड़ा है। अब हम चलते हैं कैपेसिटर नंबर 2 पर। तो कैपेसिटर नंबर 2 की एक प्लेट यहां देख रहे हैं हम x से जुड़ी हुई है, और दूसरी प्लेट जो कि कॉमन प्लेट है कैपेसिटर 1 की प्लेट के साथ, वो जुड़ी हुई है y पर। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये कि कैपेसिटर नंबर 2 की एक प्लेट x पर, दूसरी प्लेट y पर। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर नंबर 3 की। तो कैपेसिटर नंबर 3 को अगर देखें हम, तो उसकी भी एक प्लेट x पर है बच्चों और दूसरी प्लेट y पर है, साफ साफ देखने में आ रहा है। तो कैपेसिटर नंबर 3 को भी मैंने जोड़ दिया, एक प्लेट x पर, दूसरी प्लेट y पर। अब आप पहचान सकते हो किस तरह का कॉम्बिनेशन है, साफ साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां से हमने आइडेंटिफाई किया ऐसे बनाकर, दिस इज द मेथड। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऐड हो जाती है किसी एक कैपेसिटर की, यानी दो प्लेट मिलाकर जो एक कैपेसिटर बन रहा है उसकी कैपेसिटी है बच्चों एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ये तीन कैपेसिटर जो कि चार प्लेट से बन रहे हैं, चार प्लेट है तो तीन कैपेसिटर बन रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, यानी जितनी एक कैपेसिटर की थी उससे तीन गुना, 3 टाइम्स। सो दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, 3 एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। अब हम इस रूल को जनरलाइज भी कर सकते हैं, जब भी अल्टरनेट प्लेट्स दो पॉइंट्स के बीच जुड़ी हों एकांतर क्रम में, अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में, कि पहली प्लेट x पर है तो दूसरी y पर है, तीसरी x पर है तो चौथी y पर है, और ऐसे कितनी भी प्लेट्स हो सकती हैं। मान लीजिए n प्लेट्स आर देयर, टोटल n प्लेट्स आर देयर सपोज। तो अगर ऐसे n प्लेट्स हैं जो कि अल्टरनेटली जुड़ी हुई हैं x और y के बीच, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी फॉर n प्लेट्स। हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर्मूले को, तो C होगा, n प्लेट्स होंगी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे बच्चों, चार प्लेट थी तीन कैपेसिटर बने, पांच प्लेट होती तो चार कैपेसिटर बनते, छह प्लेट होती तो पांच कैपेसिटर बनते, n प्लेट होंगी तो n माइनस वन कैपेसिटर्स बनेंगे। तो n माइनस वन टाइम्स कैपेसिटी पैरेलल में ऐड हो जाती है एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी। So this will be the expression for capacity of this type of combination. अब हम समझते हैं, 2 को करने से पहले हम 3 को कर लेते हैं, उसे समझने में आसानी रहेगी। तो लॉजिक क्या है, आपने दो टर्मिनल्स बनाए, टर्मिनल x, टर्मिनल y। अब देखिए कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हुए हैं, कितने कैपेसिटर यहाँ पर फ्रेम हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं, पहले उस पर गौर करें। कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए जरूरी है कि एक टर्मिनल x पर, दूसरा कहीं और होना चाहिए, एक टर्मिनल y पर, दूसरा कहीं और होना चाहिए, या दोनों प्लेट्स एक जगह नहीं जुड़ी होनी चाहिए, अलग अलग जगह जुड़ी होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं बीच में ये दोनों प्लेट एक ही टर्मिनल पर जुड़ी है। तो जो शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट आपको सिखाया था, यहाँ जो भी कैपेसिटर बन रहा था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की कैपेसिटी जीरो है। तो एक कैपेसिटर ये बन रहा है, दूसरा कैपेसिटर ये बन रहा है। अब गौर से देखा जाए तो पहले कैपेसिटर की एक प्लेट x पर है, मैंने पहले कैपेसिटर की एक प्लेट को x पर जोड़ा, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट से जुड़ी हुई है,
तो पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट से मैंने जोड़ा, और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जो जुड़ी हुई है वो वाई पर जुड़ी हुई है, उसको मैंने जोड़ दिया वाई पर। अभी आपको दिख रहा है कैसा कॉम्बिनेशन है ये सीरीज। कितने कैपेसिटर है? दो। हर एक की कैपेसिटी क्या है? एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। तो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी सीरीज में हमने जोड़ दिया, कैपेसिटी आधी रह जाती है बच्चों। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन केस ऑफ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पहले किया हमने सेकंड से, ये होगी हाफ टाइम्स एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, इतनी आधी, हाफ टाइम्स एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पे। सो द मेथड सेज सपोज दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज हियर पॉइंट वाई। कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं? माना कि पहला कैपेसिटर ये है, कुछ और को भी पहला मान सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है। मैं देख पा रहा हूं पहले कैपेसिटर की एक प्लेट x पर जुड़ी है, दूसरी प्लेट y पर जुड़ी है। तो मुझे क्या करना है? सिंपली कैपेसिटर नंबर वन की एक प्लेट x पर, दूसरी y पर, ये हो गया। अब कैपेसिटर नंबर टू पर अगर हम आए तो टू की एक प्लेट y पर जुड़ी है, जबकि दूसरी प्लेट कैपेसिटर नंबर थ्री की किसी एक प्लेट से जुड़ी है। तो मुझे क्या करना होगा? कैपेसिटर नंबर टू अगर मैं लेता हूं तो उसकी एक प्लेट को मैं y से जोड़ कर लूंगा, हेयर कैपेसिटर नंबर टू, और उसकी दूसरी प्लेट जो है वो कैपेसिटर नंबर थ्री की एक प्लेट से जुड़ी है तो मैं जोड़ दूंगा यहां कैपेसिटर नंबर थ्री। मैंने बनाया कैपेसिटर नंबर थ्री की एक प्लेट से कैपेसिटर नंबर टू की एक प्लेट को जोड़ दिया, टू और थ्री की एक प्लेट कॉमन प्लेट है। अब कैपेसिटर नंबर थ्री की दूसरी प्लेट जुड़ रही है एक्स पर, तो कैपेसिटर नंबर थ्री की दूसरी प्लेट को मैं जोड़ देता हूं एक्स पर। तो अब आप पहचान पाओगे कि ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है, ना तो ये प्योर सीरीज है ना प्योर पैरेलल है। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि थ्री और टू आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, फिर उनका सीरीज इक्विवेलेंट वन वाले के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। अब टू और थ्री सीरीज में जुड़े हैं क्योंकि, तो कैपेसिटी सी बाई टू रह गई, और सी बाई टू के साथ ये सी पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कैपेसिटी ऐड हो जाएगी सी बाई टू प्लस सी, थ्री सी बाई टू। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हेयर 3 by 2 times C, मतलब epsilon 0 A upon D. So this will be the equivalent capacity in this case. तो हमने तीन सवाल किए। अब अगर आपको लग रहा है थोड़ा confidence आ गया है कि चौथा आप अपने आप कर लेंगे, then just try it, video pause कर लीजिए, नहीं कर पाते वापस resume कीजिए, डिस्कस करते बच्चों चौथे को भी। कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? सपोज दिस इज कैपेसिटर नंबर वन, हियर इट इज टू, हियर इट इज थ्री, तीन कैपेसिटर्स बन रहे हैं। प्रोसेस, पहली स्टेप, दो टर्मिनल मार्क करो x एंड y। मैंने मार्क किया x एंड y। नाउ मैं देख रहा हूं कि पहले कैपेसिटर की एक प्लेट y पर जुड़ी है, तो मैं पहले कैपेसिटर की एक प्लेट y पर जोड़ देता हूं, जोड़ दिया। अच्छा, इसकी दूसरी प्लेट जो है वो जुड़ी है तीसरे कैपेसिटर की एक प्लेट से, और साथ साथ वो कॉमन भी है कैपेसिटर नंबर टू की प्लेट के साथ। तो ये जो कैपेसिटर नंबर वन था, इसकी दूसरी प्लेट टू के साथ कॉमन है, और टू की दूसरी प्लेट x पर जुड़ी है। तो ये मैंने कैपेसिटर नंबर टू की प्लेट के साथ कॉमन किया और टू की दूसरी प्लेट को x पर जोड़ा, जबकि थ्री की एक प्लेट x पर है, तो थ्री की एक प्लेट को x पर जोड़ा, दिस इज कैपेसिटर नंबर थ्री, और कैपेसिटर नंबर थ्री की दूसरी प्लेट, कैपेसिटर नंबर थ्री की दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ रही है? वन और टू की, वन एंड टू की कॉमन प्लेट पर, यानी यहाँ। तो गौर से देख लीजिए, कॉम्बिनेशन हमने बना लिया है कि ये वास्तव में किसके इक्विवेलेंट होगा। इसका इक्विवेलेंट मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए कैसे बनाया। जिनको नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो
को रिवाइंड करके देख लो। तो 2 और 3 अब दिख रहे हैं पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती है, सी प्लस सी, टू सी, टू सी, तो ये हो गया, और 2C के साथ C सीरीज में, तो 2C इंटू सी, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू से 2C इंटू सी यानी 2C स्क्वायर अपॉन 2C प्लस सी यानी 3C। सो C गेट कैंसल्ड एंड फाइनल आंसर C इक्विवेलेंट, यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमें मिलती है 2 बाय 3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A बाय D। सो दिस विल बी द आंसर, इतनी हो जाएगी। तो बच्चों ये देखा आपने, हमने लेवल 4 में कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस को डील किया। नाउ नेक्स्ट लेवल, लेवल 5 में फिर से हम एक नई कैटेगरी लेंगे जिसमें जो डाई इलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं कैपेसिटर के बीच में उसमें वेरिएशंस ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से डाई इलेक्ट्रिक फिल करने से, अलग अलग पैटर्न में डाई इलेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटी पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिए चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे पूरा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते पूरे अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहेंगे रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग सिलेबस अपडेशन, रिगार्डिंग पेपर पैटर्न, एवरीथिंग आई विल डिस्कस ऑन वीडियो। सो हैप्पी लर्निंग टू यू, जल्दी मिलते बच्चों।